ये सर ऊपर जी नजर डालें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की और तो देख रहे हैं कि ग्वार का अक्टूबर वायदा 9700 के ऊपर निकल चुका है, 0.25% की तेजी है। ग्वार सीड के अक्टूबर वायदा भी 0.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी अब आपको क्या लगता है, जो हफ्ते शुरू के 2-3 दिन तक हमने देखा था कि ग्वार की कीमतों में करेक्शन देखने को मिली है 9600 के लेवल्स पर और 5700-5800 के लेवल्स पर एक सीमित दायरा देखने को मिला था, आज देख रहे हैं कि उससे कुछ बाजार उठता हुआ नजर आ रहा है ग्वार का, आपको क्या लगता है क्या आज पॉसिबल है कि ग्वार के अंदर ऊपरी सर्किट लगते हुए नजर आए? देखिए ग्वार के अंदर अगर अगले देखें तो अभी ग्वार के अंदर सीड अगर की बात करें तो सीड भी जो है 5600 के आसपास नीचे सपोर्ट ले सकती है और ऊपर में जब तक 6000 के ऊपर नहीं निकलती तब तक इसमें लंबी तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि देखिए जब 6000 के ऊपर मार्केट गया था तो वहां सस्टेनेबिलिटी नहीं आई और लगातार करेक्शन देखने को मिली। सेम एज इट इज गम के अंदर भी यही हुआ, 10000 के ऊपर जरूर मार्केट रुका लेकिन वहां पर भी सस्टेन नहीं हो पाया और फिर करेक्शन आई। तो अब जब तक ये नए लेवल्स को ब्रेक नहीं करता तब तक लंबी तेजी की तरफ नहीं है मार्केट, लेकिन हाँ अभी भी डिप पर जो ट्रेडर्स हैं वो काफी खरीदारी करते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर भी जैसे ही गिरावट आई उसके बाद फिर से एक बार बाइंग इनिशिएट होते हुए हमने देखी है और अभी भी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वायदा के अंदर भी जो प्राइजेस हैं वो वापस से सस्टेन होते हुए दिखाई दिए हैं। 9600 से लेकर बाजारों में लगातार खरीदारी आ रही है और अभी भी यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि 9800 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है अक्टूबर वायदा तो 10000 तक ऊपर जा सकता है। सेम एज इट इज सीड जो 5800 के ऊपर अगर आज की क्लोजिंग आ जाती है तो 6000 के स्तर ये भी दिखा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, काफी मार्केट में जो खबरें हैं वो काफी खरीदारी की तरफ लोग जाते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं, डिमांड उठा रहे हैं इन लेवल्स के ऊपर, तो फिलहाल बाजार तेजी की तरफ ही है। जो भी करेक्शन आती है उस करेक्शन में खरीदारी करके चला जा सकता है। जी